हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक पोको का फ़ोन है, पोको C3। तो ये फ़ोन मेरे पास डेड कंडीशन में आया था, तो इसका CPU शॉर्ट था। इसकी रीडिंग बहुत कम, 0.3 0.4 तक जाके ये जीरो हो जा रहा था। इसमें डायग्नोस करने के बाद में इसका CPU शॉर्ट मुझे मिला, तो मैंने इसमें CPU चेंज कर दिया। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो मैंने इसका CPU चेंज किया एक सेम 9A का स्क्रैप बोर्ड से। आपको दिखा सकता हूँ, इसमें पोको C3 फ़ोन था, तो मैंने बिल्कुल सेम CPU निकाला दूसरे बोर्ड से और मैंने इसका CPU चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इसका ये ओल्ड वाला CPU है और बोर्ड में यहाँ पे न्यू CPU सेम बोर्ड से मैंने निकाल के इसमें डाल दिया। यहाँ पे आप गौर करना, तो आपको सिंपली अगर 9A में आपको CPU चेंज करना है, तो ये मेरे पास जो फ़िलहाल में फ़ोन है पोको C3 है, तो मैंने एक स्क्रैप बोर्ड से सेम वर्जन की CPU निकाल लिया और यहाँ पे CPU सीधा मैंने फिक्स किया हूँ। उसके बाद अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं किया हूँ, और फ़ोन जब मैं ऑन करूँगा तो इसमें NV डेटा करप्टेड का एरर आएगा, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और इसकी EMMC में ऑलरेडी पहले से किसी भाई ने प्रोग्राम कर रखा था, क्योंकि ये फ़ोन पहले कहीं और से रिटर्न आया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ऑन करके दिखा दूँ, तो इसमें सिक्योरिटी का फाइल भी इसमें नहीं है पहले से, तो हमें पूरा सिक्योरिटी भी इसके IMEI रिपेयर करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेडमी का लोगो आ गया और फ़ोन ही ऑटो रिकवरी मोड में जा रहा है, और यहाँ पे नीचे आपको एरर दिख रहा होगा NV डेटा करप्टेड का। तो आज हम इसे कैसे फिक्स करेंगे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे सिंपली है मेरे पास ENG फाइल है पोको C3 की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किन्हीं भाई को ENG फाइल का लिंक चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको इसके रिप्लाई करके आपको बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो आप वीडियो के कमेंट्स में आपको और किसी मॉडल की ENG फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका टेस्टेड लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देखिए पोको C3 का ये ENG फाइल है, तो इसको हम अभी फ्लैश करेंगे, आज SP फ्लैश टूल से ही फ्लैश करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। यहाँ पे फ्रीमवेयर में जाएंगे, हमें कोई भी यहाँ पे MMC निकालने की ज़रूरत नहीं, MMC निकाल के हमें प्रोग्राम नहीं करना है, अभी हम लगे लगे उसमें प्रोग्राम कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पोको C3 का फ्लैश NG रोम है, मैं SP फ्लैश टूल से इसे फ्लैश करूँगा। तो सबसे पहले इसका स्कैडर फाइल ले लेता हूँ ENG रोम का। यहाँ पे स्कैडर फाइल आपको सेलेक्ट करना है, आप कोई भी टूल से फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक टूल UMT। तो मैं यहाँ पे अभी यूज करने वाला हूँ SP फ्लैश टूल। आप कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आप SP फ्लैश टूल से ही फ्लैश करें, आपके पास कोई भी टूल है UMT, जितने भी डोंगल्स है किसी से भी आप इसे फ्लैश कर सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको कस्ट का फाइल अनटिक करके फ्लैश करना, नहीं तो कस्ट पे ये एरर आ जाएगा। तो कस्ट फाइल पे टिक कर देना, उसके बाद ऑथ बाईपास कर लेंगे, यहाँ से बाईपास करेंगे ऑथ, फर्स्ट में हम ऑथ बाईपास करेंगे। और यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करना है वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के एक साथ। ये हमारा बोर्ड कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली, अब यहाँ पे SP फ्लैश टूल पे हम सिंपली फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, फ़ोन को रख देता हूँ। अब सिंपली डाउनलोड पे हमें क्लिक कर देना। कभी कभी किन्हीं भाई का क्या होता है ना कि यहाँ पे फ्लैश करने में फ़ोन आपको देखिए फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड देगा, ठीक है। अगर आपका ये एरर आता है तो आपको फॉर्मेट ऑल करके पहले फ़ोन को फ्लैश करना होगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड ओनली जहाँ पे है ना वहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए कस्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको आप अनटिक करोगे तो फिर डाउनलोड ओनली पे चला जाएगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेट हमारा फ़ोन हो जाएगा, फिर कस्ट पर जाके एरर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना, ये बहुत मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं देखिए फ़ोन को प्लस माइनस से फ़ोन को कनेक्ट कर दिया ऑथ बाईपास करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जब मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा ना तो ये फ्लैश होगा, फिर कस्ट पे जाके रह जाएगा। तो फ़ोन पहले ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका, देखिए MMC बिल्कुल खाली हो जाएगा, ब्लैंक
फ़ोन हमारा हो गया बिल्कुल ब्लैंक, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में ये फॉर्मेट ही करता है, तो ये ब्लैंक हो गया। देखिए फिर से वेरीफाई बूट, यानी कि कष्ट फाइल पे जाके फिर से फिल हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आपको फिर से फ्लैशिंग करना है कष्ट को टिक करके। अब ये एरर नहीं आएगा, डाउनलोड फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड वाला एरर अब नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये MMC फॉर्मेट हो चुके हैं। ठीक है, तो कष्ट को अब टिक करके फिर से एक बार ऑथ बाईपास करेंगे और फिर से फ्लैश करेंगे, क्योंकि फ़ोन ये फॉर्मेट हो चुका है, MMC बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है, इसमें कोई भी पहले से सिक्योरिटी का फाइल अब नहीं है। सीधा फ्लैश करें, MMC पूरा ब्लैंक हो जाता है फॉर्मेट करने के बाद में। अब यहाँ पे आप देखना, ये फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये बिल्कुल फ्लैश पूरा कंप्लीट होगा, अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप गौर से एक दो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, जब तक ये फ़ोन फ्लैश हो जाए। तो ये फ़ोन ENG मोड में फ्लैश, मतलब ENG मोड में चालू होगा फ़ोन। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आई में रिफ़र करनी है, जो कि सिक्योरिटी की फाइल होती है। सिक्योरिटी हमेशा ओरिजिनल ही डाले फ़ोन का। और सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद में इसमें दो आपको हार्डवेयर रजिस्टर निकालना है, जिसका पिक मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा लास्ट में। ठीक है, आपको वो दो रजिस्टर निकालने हैं। और रजिस्टर निकालने के बाद में नॉर्मली आपको इसकी जो फ्लैश फाइल होती है, जो हमें गूगल पे इजीली मिल जाता है, आपको वो वाली फाइल से सिंपली फ्लैश कर देना। मैंने इस वीडियो में बस ENG फाइल से फ्लैश करके फ़ोन को ऑन किया है और सिक्योरिटी रिपेयर करना आपको बताया कि हम इसकी IMEI रिपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके आगे की वीडियो बहुत लंबा, स्टोरेज मेरा फुल होने के कारण मैं शूट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आपको इस वीडियो में गाइड कर दूं कि फ़ोन जब ENG मोड में हमारा ऑन हो जाएगा, उसके बाद में हम इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, मदरबोर्ड से दो रजिस्टर निकालने हैं, हार्डवेयर रजिस्टर, वो बोर्ड ID का रजिस्टर होता है। और उसके बाद में फ़ोन को नॉर्मली फ्लैश फाइल से बस सिंपली फ्लैश करेंगे, फ़ोन हमारा पूरा कम्प्लीटली डन। ठीक है, तो अभी फ़ोन ये देखिए ENG फाइल से फ्लैश करने के बाद में पूल बिल्कुल कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा बिना कोई एरर का। तो थोड़ा सा चलिए यहाँ पे वेट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे हिस्सा बन जाए फैमिली का। एंड उसके बाद में आपको वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करके बिल्कुल बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ENG मोड में हमारा फ़ोन चालू हो गया है। और फर्स्ट में इसका IMEI चेक करते हैं, ये ENG रोम का एरर है, ब्लूटूथ का एरर बार बार। तो आप यहाँ पर देखना IMEI कोई भी शो नहीं कर रहा है, और इसमें बेसबैंड ऑटोमेटिकली आ जाता है। MediaTek के फ़ोन में फ्लैशिंग से ही इसकी बेसबैंड आ जाती है, इसमें QCN राइट नहीं करना पड़ता, पर वो क्वालकॉम फ़ोन में होते हैं। तो MediaTek में बेसबैंड रिपेयर फ्लैशिंग से ही हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं PC पे और इसकी रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर यूज करना है आपको UMT का वर्जन 5.1, बहुत ही उस पर बिना कोई एरर का आपका यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे UMT 5.1 वर्जन है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको 5.1 ही यूज करना है, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए अगर UMT डोंगल आपके पास है। तो अगर UMT डोंगल आपके पास नहीं है तो मायू मेटा टूल एक है, आप उससे IMEI रिपेयर कर सकते हो मेटा टूल से, लेकिन ज़्यादा बेटर मेरे को UMT लगता है, ईजी लगता है, बहुत ही ईजी लगता है। अगर जिनके पास UMT डोंगल नहीं है, वो एक मायू मेटा टूल आता है, आप उससे IMEI इसकी रिपेयर कर सकते हो। तो ओपन होने देते हैं, फ्लैश हमारा कंप्लीट बस हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा UMT इंस्टॉल हो चुका है। अब UMT रन करेंगे हम, UMT 5.1 MTK सेटअप। फ़ोन को हमने यहाँ पे शट डाउन कर दिया, और यहाँ पे मस्ट भी बैटरी का पत्ता लगा होना चाहिए। ये प्रोसेस करने के लिए फ़ोन में बैटरी का फ्लेक्स लगा होना चाहिए, ठीक है, और बैटरी चार्ज भी हमारी होनी चाहिए फ़ोन ऑन होने जितना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चल जाना टूल एंड FRP में, यहाँ पे मेटा न्यू मेथड सेलेक्ट करना है। मेटा न्यू जैसा कि देख रहे हो, आपको यहाँ पे दोनों IMEI डाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी दोनों IMEI हमने पहले कॉपी करके रखी है, आपको यहाँ पे दोनों IMEI डाल देना है, IMEI 1 में IMEI 1 और IMEI 2 में IMEI 2, यहाँ से सिंपली डाल देंगे हम।
यहाँ से आपको कॉपी कर लेना, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे एंड रिपेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत बार यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मस्ट बैटरी का पत्ता लगा होना ही चाहिए क्योंकि फ़ोन हमारा मेटा मोड में जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के फ़ोन को हम कनेक्ट करेंगे। देखिए हमारा प्रिपेयरिंग डिवाइस। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे वेटिंग फॉर फ़ोन इन मेटा मोड, फ़ोन तो हमारा मेटा मोड में चला जाता है लेकिन वहाँ पे नोट डिवाइस फोन करके एक एरर आ जाता है, उसको अभी कैसे फिक्स करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, देखिए फ़ोन हमारा मेटा मोड में चला गया, आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, लेकिन UMT में देखिए यहाँ पे नो फाउंड फ़ोन ऑपरेशन फेल। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन को डिसकनेक्ट नहीं करना, सिंपली से फिर से बस रिपेयर पे क्लिक करना और यस कर देना। ठीक है, फ़ोन को डिसकनेक्ट नहीं करना, ये डायरेक्ट हमारा फ़ोन मेटा मोड में यहाँ से उठाएगा कनेक्टेड। देख रहे हो जैसा कॉन्फ़िगरेशन कम्युनिकेशन चैनल सक्सेस रीडिंग फ़ोन इन्फॉर्मेशन, यहाँ से डायरेक्ट हमारा सिक्योरिटी 1 मिनट पे रिपेयर डन। देखिए यहाँ पे रिपेयर डन हो गया। ठीक है, IME1 IME2 दोनों यहाँ पे रिपेयर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, फ़ोन को अब ऑन करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये ENG मोड में भी फ़ोन है तो ये इंजीनियरिंग फाइल की थोड़ी सी बग्स है इसमें, तो ये फ़ोन ऑन होने के बाद में इसमें ओनली IME2 दिखाएगा। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पर राइट हमारा IME1 IME2 दोनों हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ENG फाइल का बग है, यहाँ पे आपको ओनली IME2 दिखाएगा, IME1 में 00 भी दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले 2-3 फ़ोन बनाया है तो मेरे को पता है इसके बारे में। तो ये ओनली IME2 शो करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जब आप नॉर्मल फाइल से फ्लैश करोगे ना तो आपको यहाँ पर दोनों IME शो कर जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपकी एक ही IME राइट हो, आपका दोनों IME ऑलरेडी राइट हो चुकी है। आप जैसे नॉर्मल फाइल से फ्लैश करोगे तो आपको दोनों IMEs हो गए। ब्लूटूथ की स्टॉपिंग, ये ENG फाइल का थोड़ा बग है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको साइड में ये दो रजिस्टर दिख रहे होंगे, आपको बस ये दो रजिस्टर निकाल के नॉर्मल फाइल से फ्लैश कर देना है, फ़ोन आपका बिल्कुल कम्प्लीटली चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।